नमस्ते, प्रीति की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट नमकीन और ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। और एक बार बना के रख दीजिए और लंबे टाइम के लिए खाते रहिए व्रत में या फिर ऐसे। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा 2 कप मखाना है और 1/4 कप काजू है और 1/4 कप किशमिश और 1/4 कप ही नारियल है हमारा। हमने इसको पतला पतला स्लाइस कर लिया है और 1/4 कप बादाम है और ये सेंधा नमक है व्रत वाला और ये काली मिर्च है 1/2 चम्मच। अब हम चलते हैं गैस के पास, पैन रखेंगे और पैन में हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच घी और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे 1 मिनट के लिए। अब ये हमारा घी गरम हो गया। अब हम सबसे पहले डाल देंगे काजू और इसको लगातार चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। ये बहुत जल्दी भून जाता है, करीब आपको 1 मिनट लगेगा भूनने में। और ये देखिए हमारा भून के तैयार हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे, देखिए पहले से कलर चेंज हो गया है। और अब हम बादाम डाल के भून लेंगे और वैसे ही हम भून लेंगे, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 ही मिनट लगता है भुनने में। और अब हम निकाल लेंगे, भुन चुका है ये भी। अब हम नारियल को डाल के भून लेंगे लगातार चलाते हुए। ये हमारा सूखा नारियल है जिसको हम गरी बोलते हैं, नारियल का गोला जो आता है ना वही है। और ये भी 1-1.5 मिनट भूनते हुए हो गया। अब हम निकाल लेंगे इसको और ये हमारा भून चुका है। अब हम भूनेंगे मखाना, तो सारा पैन में डाल देंगे और फिर लगातार चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। इसको थोड़ा 2-2.5 मिनट लगेगा भूनने में और ये जब भून जाएगा तो कुरकुरा हो जाएगा। देखिए लगभग 2 से 2.5 मिनट हो गए हमारे भूनते हुए और अच्छे से भून चुके हैं। देखिए कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम निकाल लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। हमने किशमिश भुना नहीं था, आप चाहे तो भून सकते हैं, क्योंकि हमें लंबे टाइम तक रखना है तो बिना भुने ही अच्छा रहता है। 1/4 कप भुनी हुई मूंगफली है, ये भी डाल देंगे। और कोई भी ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं और जो पसंद है वो डाल सकते हैं, जो नहीं है वो निकाल सकते हैं। और अब हम डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक, ये व्रत का नमक है, डाल देंगे। और डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और फिर अब हम इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। और अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो इसमें आप थोड़ा चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। हमने ये व्रत के लिए बनाया है तो नहीं डाला है। तो अब हम सारा मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम सर्व कर लेंगे। लीजिए हमारा ड्राई फ्रूट नमकीन तैयार है। आप इसको चाय के साथ खा सकते हैं या फिर ऐसे भी खा सकते हैं या फिर छोटी मोटी भूख लगी हो तो उसमें आप खा सकते हैं, उसके लिए परफेक्ट रहता है। और ड्राई फ्रूट से बना है तो हेल्दी भी है और ये बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो जब भी मन करे आपका ये बनाएं और खाएं और हमें कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।